हेलो भाइयों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपका अपने एक नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं होंडा की तरफ से आने वाली बाइक होंडा साइन 125cc। तो आज आप लोग पूरी वीडियो में इसी बाइक का फुल रिव्यू देखेंगे, बाइक फ्रंट से देखने में कैसी लगती है, बाइक से देखने में कैसी लगती है और साइड से देखने में कैसी लगती है। तो यहीं पर अगर मैं ऑल ओवर बात करता हूँ तो जहाँ पर ये बाइक हमारे सामने जो खड़ी है होंडा साइन, तो इसमें आपको दो वेरियंट देखने को मिलते हैं। मतलब दो वेरियंट का, एक तो होता है हमारा डिस्क और एक आपको देखने को मिलता है ड्रम वेरियंट। तो आज आप लोग इस वीडियो में जो बाइक देख रहे हैं ये है हमारी ड्रम वेरिएंट, और अगर आप लोग डिस्क वेरिएंट देखना चाहते हैं तो मैं कुछ दिन पहले इसका डिस्क वेरिएंट की वीडियो लेके आया था, तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आ रहा हूँ इसका ड्रम वेरिएंट। यहीं पे अगर बात की जाए तो ये बाइक आपको दो वेरिएंट के साथ 10 कलर ऑप्शन में देखने को मिलती है। और ये जो कलर हमारे सामने आज खड़ा है, ये हमारा कलर खड़ा है एकदम ग्रे कलर, मतलब देख सकते हैं ग्रे फिनिश के साथ है। इसमें आप पूरी बाइक पर आपको ग्राफिक्स के स्टीकर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको पास से दिखा दूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे वाइट एंड ब्लैक फिनिश के स्टिकर आपको पूरी बाइक पे देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको कलर बताया था, ये हमारा ग्रे कलर है। यहाँ पे यदि कि अगर मैं बात करूँ साइन ये 125, चलिए अभी मैं जिस बाइक के बारे में बात कर रहा था होंडा साइन 125 से, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बाइक की फ्रंट प्रोफाइल से अगर मैं आपसे फ्रंट से बात करूँ तो यहाँ पर आपको फ्रंट पर कुछ इस टाइप का आपको वाइजर ऑफर किया जाता है, जैसे कि एकदम ब्लैक फिनिश के साथ आपको ऑफर किया जाता है। नीचे की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़ा क्रोम का वर्क देखने को मिलता है। अगर मैं साइड से आपको दिखाऊं तो मतलब काफ़ी ज़्यादा लुक वाइज आपको अगर मैं बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा मस्त लगता है यहाँ पे जो हमारा क्रोम का वर्क देखने को मिलता है। इनके अगर नीचे हेडलाइट की अगर हम बात करते हैं तो हेडलाइट में हमें देखने को मिलता है इसका, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हैलोजन बल्ब ऑफर किया जाता है। हेडलाइट एंड इंडिकेटर दोनों में हमें हैलोजन बल्ब देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको बल्ब कुछ ऑरेंज फिनिश के साथ देखने को मिलता है। नीचे की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें नंबर प्लेट की प्लेसमेंट देखने को मिलती है। और अगर साइड से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका मटकाट हमें कुछ सिंगल कलर में देखने को मिलता है, जैसे कि जो भी हमारी बाइक है ग्रे फिनिश में, तो यहीं पे आपको बॉडी कलर में मतलब ग्रे फिनिश के साथ आपको मटकाट ऑफर किया जाता है। यहाँ पर अगर मैं साइड प्रोफाइल की अगर बात करूँ तो यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप के सस्पेंशन ऑफर किए जाते हैं। नीचे आपको सस्पेंशन के ऊपर लगा देखने को मिल रहा है, ये रहा हमारा रिफ्लेक्टर। और अगर नीचे की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का टायर देखने को मिलता है। और अगर टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे समथिंग टायर प्रोफाइल हमारा भाई इधर तो लिखा हुआ नहीं, खैर मैं इसी वीडियो में भी आपको कवर करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे हमें टायर प्रोफाइल किस प्रोफाइल में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको कुछ अलॉय व्हील मतलब कुछ इस टाइप के अलॉय ऑफर किए जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको फ्रंट से दिखाया था, फ्रंट में हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ पर जैसे कि हेडलाइट मैंने बताया था, हेडलाइट में आपको हैलोजन लाइट का बल्ब देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको क्रोम का वर्क देखने को मिलता है यहाँ, और हेडलाइट के अंदर भी आपको थोड़ा क्रोम का वर्क देखने को मिलता है। जैसे कि अभी मैं साइड से बात कर रहा था तो यहाँ पे आप इंडिकेटर देखें तो इंडिकेटर पे भी हमें हैलोजन लाइट ऑफर की जाती है। और ये जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, पूरी बाइक पे आपको ग्राफिक्स के स्टिकर ऑफर किए जाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे आपको ब्लैक एंड थोड़ा लाइट ग्रे यानी कि वाइट भी आप बोल सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ इस टाइप के ग्राफिक्स के स्टिकर देखने को मिलते हैं। चलिए बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल, अगर आप साइड से देखें तो यहाँ पर आपके कुछ साइड से देखें तो यहाँ पे सिंगल फ्रेम में अगर मैं आपको देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा मस्त लगती है। जैसे कि अगर मैं सिंगल फ्रेम की बात करता हूँ तो कुछ इस टाइप की देखने में मिलती है, तब अच्छी खासी लगती है। यहाँ पे जैसे नीचे की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको लेग गार्ड कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, जो कि हमारा BS6 और BS7 मतलब आप बोल सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि नॉर्मल आप देख रहे हैं तो BS6 Phase 2, तो यहाँ पर आप चाहे Phase 2 बोलें चाहे आप BS7 बोलें, तो नॉर्मली आप जो बोलना पसंद करते हैं आराम से आप बोल पाएंगे। अगर टंकी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ होंडा का 3D में होलोग्राम ऑफर किया जाता है। यहाँ पे आपको विंग्स देखने को मिलता है, होंडा हमारा 3D में देखने को मिलता है एकदम क्रोम फिनिश के साथ। अगर टंकी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरी बाइक पे आपको ग्राफिक्स से स्टिकर ऑफर किए जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ब्लैक फिनिश मतलब देखने में यार काफ़ी ज़्यादा मस्त लगती है। टंकी पर थोड़ा आपको क्रोम का वर्क ऑफर किया जाता है, फिर आपको ग्राफिक्स से स्टिकर। तो यहीं पर अगर साइड कॉल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको कुछ इस टाइप का आपको लुक देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं क्रोम फिनिश में वर्क, क्योंकि यहाँ पर आपको ब्लैक फाइबर ऑफर किए जाते हैं। अगर नीचे इंजन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हमें समथिंग 125cc का इंजन देखने को मिलता है। इंजन के ऊपर हमें होंडा की वेजिंग और ये रही हमारी किक। यहीं पे अगर नीचे की बात करें यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप का रियर ब्रेक ऑफर किया जाता है, इसका फुट स्टेप। और यहीं पे अगर साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करता हूँ बाइक से, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है 125cc की वेजिंग, ये रहा हमारा ग्राफिक्स स्टिकर। बाकी यहाँ पर भी आपको ग्राफिक्स के स्टिकर देखने को मिलते हैं। नीचे की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ESP की वेजिंग देखने को मिलती है, हमारे रियर फुट रेस्ट। और अगर यहीं पर हम साइलेंसर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप साइलेंसर देखेंगे तो यहाँ पर आपको फुल साइज में साइलेंसर ऑफर किया जाता है, मतलब एग्जॉस्ट ऑफर किया जाता है। जैसे इंजन मैंने आपको बताया था, इंजन के ऊपर यह सब आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ पे लेग गार्ड आपको अच्छा देखने को मिलता है, जो कि हमारा BS7 प्रोफाइल का, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। यहीं पे अगर सस्पेंशन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप के स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। और अगर सीट साइड का उल्टी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको साइन की वेजिंग देखने को मिलती है, इस तरफ आपको साइन देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको 125 की वेजिंग देखने को मिलती है।
और अगर मैं आपको इस साइड की अगर मैं बात कर दिखाऊँ तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो नॉर्मल आपको वही सब ऑफर किया जाता है। चलिए इस तरफ से मैं आपको निकल के दिखा दूँगी, उस तरफ से थोड़ा स्पेस कम। चलिए तो यहाँ पे भी आपको कुछ यही 3D में होलोग्राम ऑफर किया जाता है। मैंने आपको टंकी बताया था, मैंने नॉर्मल भी मैंने अभी आपको इस तरफ दिखा चुका हूँ, तो वही सब आपको यहीं पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको साइन की वेजिंग देखने को मिलती है, कुछ स्टीकर जैसे कि छूट चुका है, खैर वो तो जो बंदा परचेज करता है तो थोड़ा बहुत तो होता रहता है। यहाँ पर अगर गेयरिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का गेयरिंग सिस्टम देखने को मिलता है। और अभी जैसे कि बाइक खड़ी हमारी मेन स्टैंड में, यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। यहीं पे अगर साइड स्टैंड की बात की जाए तो यहाँ पे आपको हर बाइक में आपको कुछ इस टाइप का साइड स्टैंड देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको लीवर देखने को मिलता है, साइड स्टैंड लगी होगी तो यहाँ पे आपके मीटर में शो कर जाएगी कि बाइक अभी हमारे साइड स्टैंड में लगी हुई है। और अगर यहीं पे अगर साइड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप के फुट स्टेप देखने को मिलते हैं, जैसे मैं आपको दिखाया था सेम टू सेम उस टाइप की देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको स्प्रिंग सस्पेंशन ब्लैक फिनिश में देखने को मिलते हैं। और अगर रियर टायर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको टायर कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर टायर प्रोफाइल की अगर बात करूँ तो यहाँ पे टायर प्रोफाइल भाई कहीं पे भी नहीं सो रहा है, दिख रहा है 80x100 R18, मतलब समथिंग आगे पीछे में सेम साइज एंड सेम प्रोफाइल के टायर देखने को मिलते हैं। अगर नहीं मिलते हैं वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको लेडीज़ साड़ी गार्ड देखने को मिलता है। यहाँ पे लेडीज़ स्टैंड साइड स्टैंड ऑफर किया गया जैसे अभी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आपको ब्लैक फिनिश में देखने को मिलता है इसके सस्पेंशन। और अगर सीट ओपन करने की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिया गया, यहाँ पे आप की लगाएंगे तो आराम से आपकी सीट ओपन हो जाएगी। और यहीं पे आपको नीचे आपको चैन एकदम कवर्ड ऑफर की गई है। नीचे आपको टायर प्रोफाइल सभी को देखने को मिलेगी, आपको फ्रंट टायर में कितनी हवा रखी है एंड रियर टायर में आपको कितनी हवा रखी है, कितना प्रेशर है, ये सब आपको देखने को मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया चैन यहाँ पर आपको कवर्ड देखने को मिलती है। चलिए जैसे कि मैंने आपको इस साइड से दिखाया, यहाँ पे मैं क्या कुछ देखने को मिलता है जैसे कि मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे आपको लेडीज़ साड़ी गार्ड देखने को मिलता है, लेडीज़ साड़ी स्टैंड देखने ऑफर किया जाता है। ये रहा हमारा रियर फुट रेस्ट, जैसे कि बाइक खड़ी हमारी मेन स्टैंड पे है। और अगर मैं बैक प्रोफाइल की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर आप अगर बाइक से देखेंगे कि थोड़ा गाड़ी को करते हैं मूव, तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का होंडा का स्टीकर देखने को मिलता है। ये रहा हमारा होंडा का स्टिकर। और यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप की टेल लाइट ऑफर की गई, टेल लाइट में हैलोजन बल्ब ऑफर किया जाता है। अगर यहाँ पे इंडिकेटर की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर ठीक ठाक ऑफर किया जाता है, मतलब नॉर्मल आपका टूटेगा नहीं अगर बच्चे वगैरह घुमा देते हैं। यहाँ पे आपको इंडिकेटर एंड टेल लाइट दोनों में आपको हैलोजन बल्ब ऑफर किया जाता है। नीचे आपको कुछ इस टाइप का रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है। यहाँ पे नंबर प्लेट की प्लेसमेंट और ये रहा हमारा रियर मडगार्ड। तो यहाँ पे आपको रियर प्रोफाइल में कुछ ये सब देखने को मिलता है। इसलिए अगर बात कर लेते हैं इसके ग्रैब हैंडल के बारे में तो यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल भी काफ़ी ज़्यादा मस्त देखने को मिलता है एकदम बॉडी कलर में, जैसे कि बाइक है हमारी ग्रे फिनिश के साथ तो आपको उसी कलर में आपको देखने को मिलता है इसका ग्रैब हैंडल। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको ऑल ओवर दिखाया था कि यहाँ पर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है बाइक, हमें बैक साइड से देखने में कैसी लगती है, फ्रंट से देखने में कैसी लगती है, साइड प्रोफाइल से कैसी देखने को मिलती है। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके मीटर कंसोल के बारे में, मतलब हैंडल बार के बारे में। तो यहाँ पे हैंडल बार की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको नॉर्मल इस तरफ ऑफर किया जाता है हमारा क्लच। और यहाँ पर बात करें तो ये रहा हमारा फ्रंट ब्रेक। इस तरफ अगर बात करते हैं तो ये रहा हमारा सेल्फ स्विच। यहाँ पर आपको एक्सीलेटर ऑफर किया जाता है। इस तरफ आपको लो बीम एंड हाई बीम पास का स्विच ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आपको हमारे जो बाइक में इंडिकेटर देखने को मिलते हैं कुछ इस टाइप का ऑफर किया जाता है। ये रहा हमारा बीप। और अगर इग्निशन स्विच की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कुछ इस टाइप का इग्निशन स्विच, पुश लॉक ऑन ऑफ। चलिए बात कर लेते हैं मीटर कंसोल के बारे में। तो यहाँ पे आपको साइन की वेजिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर हमारे इंडिकेटर की लाइटिंग जो कि कुछ इस टाइप की देखने को मिलती है लेफ्ट एंड राइट। ये रहा हमारा हाई बीम लो बीम के लिए। और अगर मीटर की बात करें तो यहाँ पर हमें 140 km/h की टॉप स्पीड, मतलब 140 km/h तक की स्पीड देखने को मिलती है। बाकी जो भी टॉप स्पीड होती है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे कुछ आपको इकोनॉमी इस टाइप का मीटर ऑफर किया जाता है। इस तरह की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें फ्यूल गेज ऑफर किया जाता है। और यहीं पे हमें देखने को मिलता है इसका न्यूट्रल का साइन। और ये रहा हमारा साइड स्टैंड। बाकी यहाँ पर आपको चेक इंजन लाइट देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको होंडा का स्टीकर ऑफर किया जाता है। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में। जैसे कि ये वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है ड्रम वेरिएंट। और अगर यहाँ पे बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में तो यहाँ पे आपको 123.94 cc का इंजन ऑफर किया जाता है, जो कि मैक्सिमम पावर 10.59 bhp की मैक्सिमम पावर 7500 rpm देखने को मिलता है। इसी के साथ अगर टॉर्क की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 11 Nm का मैक्सिमम टॉर्क 6000 rpm पे देखने को मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं इसके गियरिंग के बारे में। तो यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने आपको बताया था ये रहा इसका गियरिंग। तो यहाँ पे आपको 5 गियर देखने को मिलते हैं।
और अगर यहाँ पे माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे समथिंग आपको 60 से 55 की MPL का माइलेज देखने को मिलता है। फ्रंट एंड रियर दोनों में आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि इसमें आपको वेरिएंट दो देखने को मिलते हैं। ये हमारे सामने वेरिएंट खड़ा है ड्रम वेरिएंट, तो यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। व्हील टाइप यहाँ पे आपको अलॉय देखने को मिलता है, और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको टॉप स्पीड भी बताया नहीं, तो यहाँ पे आपको समथिंग 102 KMPH की टॉप स्पीड देखने को मिलती है। आगे पीछे दोनों टायर हमें ट्यूबलेस ऑफर किए जाते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे आपको 10.5 लीटर की देखने को मिलती है। और जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे गियरिंग शिफ्टिंग पैटर्न की, तो यहाँ पे आपको 5 स्पीड गियर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको गियरिंग शिफ्टिंग पैटर्न ऑल अप आपको ऑफर किया जाता है। 1 सिलेंडर आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है इस इंजन। चलिए बात करते हैं इसके टैंक के बारे में। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे आपको 10.5 लीटर का टैंक ऑफर किया जाता है इसके। अगर रिजर्व फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 1.3 लीटर का रिजर्व फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का आपको इसका ढक्कन ऑफर किया जाता है, मतलब ढक्कन है। तो यहाँ पे आपको E20 की बैजिंग देखने को मिलती है, 20% एथेनॉल एंड 80% आपको पेट्रोल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था एम्बिशन स्टैंडर्ड यहाँ पे BS6 फेज 2 या फिर आप BS7 बोल सकते हैं। फ्यूल टाइप पेट्रोल। चलिए बात कर लेते हैं ब्रेक व्हील एंड सस्पेंशन के बारे में। तो यहाँ पे आपको फ्रंट सस्पेंशन टेलीस्कोपिक ऑफर किया जाता है, और रियर सस्पेंशन यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक टाइप ऑफर किया जाता है। ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पे आपको CVS देखने को मिलता है, और फ्रंट में आपको ड्रम एंड रियर दोनों में आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए गए हैं। ड्रम ब्रेक्स अगर साइज की अगर मैं बात करूँ तो दोनों में हमें सेम साइज के देखने को मिलते हैं, 130 mm। और अगर यहाँ पे व्हील टाइप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको अलॉय व्हील ऑफर किए जाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था टायर प्रोफाइल, तो यहाँ पे हमें दोनों तरफ 80/100 फ्रंट एंड रियर दोनों में सेम साइज सेम प्रोफाइल के देखने को मिलते हैं। टायर टाइप यहाँ पे आपको ट्यूबलेस देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं डायमेंशन एंड चेसिस के बारे में। तो यहाँ पे आपको इस बाइक में कर्व वेट, जैसे कि जो बाइक हमारे सामने खड़ी है साइन 125, तो यहाँ पे आपको 113 kg का कर्व वेट देखने को मिलता है। और जैसे कि सीट हाइट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल देखने को मिलती है, 791 mm की सीट हाइट है। और अगर ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि बाइक अभी खड़ी है हमारी मेन स्टैंड पर, तो यहाँ पे आपको 162 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। ओवरऑल लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी लेंथ देखने को मिलती है, 2046 mm। और अगर इसी के साथ ओवरऑल विड्थ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको विड्थ भी 737 mm की देखने को मिलती है। ओवरऑल हाइट यहाँ पे आपको 1116 mm। और अगर व्हील बेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 1285 mm देखने को मिलती है। चलिए बात कर लेते हैं इसके चेचिस टाइप में। यहाँ पे आपको डायमंड टाइप चेचिस ऑफर की जाती है। चलिए बात कर लेते हैं मैनुफैक्चर वारंटी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ऑल ओवर बता दिया इस बाइक के बारे में, चलिए बात कर लेते हैं वारंटी के बारे में। तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल या फिर 42,000 किलोमीटर की देखने को मिलती है। अब आप लोग मतलब इसका मतलब क्या, मतलब जो भी चीज़ आपकी पहले हो जाएगी आप, तो टाइमिंग या आपकी बाइक चल जाएगी 42,000 किलोमीटर, तो उसी हिसाब से आप अपनी वारंटी को क्लेम कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बाइक के बारे में ऑल ओवर बता दिया। चलिए बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो जैसे कि ये वेरियंट हमारे सामने खड़ा है साइन 125 ड्रम वेरियंट। यहाँ पर जैसे कि अगर प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये बाइक आपको एक्स शोरूम 77,900 रुपये की देखने को मिल जाती है। और अगर इसके ऑनरोड प्राइसिंग की बात करूँ तो ये बाइक आपको 93,255 रुपये की ऑनरोड उत्तर प्रदेश बीसलपुर में पड़ जाएगी। और अगर आप लोग इस बाइक के ऑनरोड प्राइस अपनी सिटी के जानना चाहते हैं तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अपनी सिटी का नाम, वहाँ से मैं चेक करके आपको आपके सिटी के ऑनरोड प्राइस बता दूंगा। तो यहाँ पे जैसे कि जहाँ मैं वीडियो शूट करने आता हूँ यहाँ के अगर एड्रेस की बात करूँ तो ये एड्रेस हमारे लिए देखने को मिलता है, कुंती होंडा शोरूम बीसलपुर स्टेशन रोड पे आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे जब आप विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जैसे कि फाइनेंस वगैरह, मतलब EMI वगैरह, जिस हिसाब से आपका क्रेडिट स्कोर होगा उसी हिसाब से आपकी EMI वगैरह, मतलब कितना आपको डाउन पेमेंट करना कितना नहीं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का था इस बाइक का रिव्यू, जैसे कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया। जो कि बाइक हमारे सामने खड़ी है होंडा साइन 125cc ड्रम वेरिएंट। और अगर आप इसके डिस्क वेरिएंट की वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मैं अभी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। चलिए वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।